फ्रेंड्स, दीपा सीक्रेट में आपका सबका स्वागत है। मैंने आपको पिछले गमले में कैसे हल्दी उगाते ये बता दिया था, अब मैं उस हल्दी का आचार कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ। पहले से ही मैंने क्या करा, हल्दी को छील के काट के रखा है। 1 किलो हल्दी है ये। आपको जैसा करना है कि गोल काटना है, लंबा काटना है, जैसा चाहिए आप काट सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी काट के रेडी करके रखा है। अब इसमें क्या क्या मसाला पड़ता है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच काली मिर्ची, 2 चम्मच जीरा, 200 ग्राम राई पाउडर, 4 चम्मच मैंने मेथी लिया, आप 3 चम्मच भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 150 ग्राम नमक लिया है और 150 ग्राम मिर्ची लिया। जिससे नमक मिर्ची को आपको जिस अंदाज में चाहिए, जिस टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ मसाला रेडी करा। ये है नींबू, 8 नींबू का रस मैंने निकाल के यहाँ रखा है। अब तेल, मैंने तिल का तेल इसमें इस्तेमाल किया है, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या कर गरम करके थोड़ा उसमें राय और जीरा डाल के ठंडा करके आपको रखना है। उसके बाद आपको इसमें जो हल्दी काट के रखा है उसमें ये सब मसाला अच्छे से आपको भूंजना है। भूंज के पाउडर बना के रखना है। ये देखिए ऑलरेडी मैंने पाउडर बना के रखा है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको नमक डालना है। मैंने इसमें आधा नमक ले रही हूँ क्योंकि आधा हमको बाद में डालना है। ये आधा मैंने नींबू का रस डाला है, आधा मैंने रखा है। इसको दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। उसके बाद जो ऑलरेडी पाउडर बना के जो भूंज के रखा था उसका पाउडर इसमें डालना है। अब जितना मसाला डालोगे उतने अच्छी तरह से वो टेस्ट हो जाएगा। मसाला पूरा उसमें मिलाना चाहिए। ये मैंने मसाला उसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया। अब जो बाकी जो नमक बची है उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब जो बची नींबू का रस उसको भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मिर्ची के पाउडर डाल दिया। उसके बाद उसको ऐड करा क्योंकि इसमें हल्दी नहीं पड़ता, क्योंकि ये हल्दी का आचार ही है। ये देखिए सब मैंने मिक्स कर दिया। अब ये तेल गरम करके रखा मैंने, उसको आपको डालना है। अब देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको इसको रखना है। अब इसमें एक कांच की भरनी लेना है आपको, और ये याद करिए स्टील के चम्मच को आप इस्तेमाल नहीं करना है, लकड़ी के चम्मच ही आपको इस्तेमाल करना है। इसको मैंने धूप में सुखा के रखा है, इसमें नमी नहीं होना चाहिए क्योंकि आचार खराब होने का चांसेस है। अब मैं इसमें आचार भरूंगी।
देखिए कितने सुंदर कलर आ रहे हैं। हल्का सा कपड़े ये करके ढक्कन को हल्का सा वो करना है, उसके बाद उसको बांध लीजिए। उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना, इस ढक्कन को टाइट बंद करना है। ये मैंने टाइट बंद कर दी। 15 दिन के बाद ये अचार खाने का लायक हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर कलर आया। हाँ? अब मैं आपको ये हल्दी के छिलके का कैसे यूज करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप आचार कैसा लगा, आपको पसंद आया, कैसा हुआ, आप शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।